अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। और वेलकम है आपका अतिया टीवी में फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको फेस रीडिंग के बारे में बताऊंगी, जिससे कि आपको आपके साथ रहने वाले दोस्त अहबाब की शख्सियत को जान सकते हैं। आमतौर पर अगर हमें किसी इंसान के बारे में जानना हो तो हमें उसके साथ रहना पड़ेगा और फिर हमें पता चलेगा। लेकिन साइंस का कहना है कि हर इंसान का चेहरा उसके बारे में बताता है और इसको कहते हैं फेस रीडिंग। दोस्तों, इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं जो हमारी सच्चाई, खलूस, एतबार, ईमान और प्यार और मोहब्बत को बेवकूफ़ी समझते हैं। इसलिए अल्लाह ताला ने इंसान को ये इल्म अता किया है कि वो किसी दूसरे इंसान के बारे में जान सकता है। तो चलते हैं आज की वीडियो पर। तो सबसे पहले आते हैं इंसान के बाल। जिस इंसान के बाल पतले हैं और नरम हैं, मतलब वो इंसान हसास और नरम दिल का मालिक है। और जिस इंसान के बाल सख्त हैं, इसका मतलब वो इंसान सख्त मिजाज का है। तो ऐसे लोग जिनका माथा बड़ा है, मतलब 3 से 4 उंगलियां माथे में आ जाएं, तो ऐसे लोग बहुत होशियार होते हैं। और वो जिनका माथा छोटा है, तो वो लोग बहुत जल्द इमोशनल हो जाते हैं। और ऐसे लोग जिनकी आईब्रो शुरू में मोटे और फिर आहिस्ता आहिस्ता बारीक होते जा रहे हैं, इसका मतलब उनके जहन में काफ़ी चीज़ें आती हैं लेकिन वो इन चीज़ों को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाते। इसके बाद आते हैं माउथ पर। इस इंसान का मुंह जितना बड़ा होगा, यानी अंदरूनी हिस्सा जितना बड़ा होगा, ऐसे लोग आराम पसंद और घूमने फिरने वाले और नई नई जगहों को एंजॉय करने वाले होते हैं। और ये इनकी फितरत में शामिल होता है। और अगर आप ऐसे लोगों से मिलें तो ये आपको भी सुकून से नहीं बैठने देंगे। और ऐसे लोग हर किसी की लाइफ में पाए जाते हैं। अब आते हैं स्मॉल माउथ पर। ऐसे लोग इंतहाई खामोश तबीयत के मालिक होते हैं, मतलब इनको फ़न करना ज़्यादा पसंद नहीं होता। ऐसे लोगों को अकेले रहना ज़्यादा पसंद होता है। अब आते हैं नोस पर। जिनकी नाक का आगे वाला हिस्सा मोटा है, ये बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। ये हर चीज़ को पहले से प्लान करते हैं और इनके प्लान्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और इसी वजह से इनमें बहुत लालच होती है। और जिनकी नाक आगे से पतली होती है, वो पैसा अपने ऊपर ही खर्च करते हैं। और ये लोग पैसे को ज़रूरत से ज़्यादा खर्च नहीं